भले ही आप कितनी ही धन दौलत के मालिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन यूं ही राह चलते अगर पैसे मिल जाएं तो खुशी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क पर पैसे मिलने का एक गहरा रहस्य भी होता है। ज्योतिर्विद की माने तो रुपया का मिलना या होना दोनों का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर आपको चलती राह में कहीं पड़ा हुआ धन मिल जाए तो ये किसी बात का संकेत हो सकता है। माना जाता है कि गिरा हुआ धन पाना सफलताओं का संकेत होता है। इसके जरिए ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि आप अब सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ईश्वर का साथ प्राप्त है। हालांकि इस अचानक धन मिलने पर आपको संयम से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि अचानक धन मिलना ईश्वर द्वारा आपकी दायित्व की परीक्षा लेने का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा राह में मिले अचानक धन को पूर्वजों से जोड़कर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि ये धन हमें पूर्वजों के आदेश से मिलता है। इसके माध्यम से पूर्वज भी ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप इस धन का इस्तेमाल किस तरह के कामों में कर रहे हैं। सड़क पर मिला हुआ धन दरअसल सही मायनों में आपकी परीक्षा होती है। आपको ये परीक्षा एक व्यवस्थित तरीके से पार करनी चाहिए, जैसे कि उस धन का कुछ भाग जरूरतमंद लोगों को दें, उसका कुछ भाग मंदिर में अर्पित कर दें और इसका कुछ भाग अपने खराब समय के लिए रखें। अचानक से मिले हुए धन का इस्तेमाल कभी भी अपने दैनिक खर्चों में ना करें। अगर आप राह में मिले धन का इस्तेमाल मौज मस्ती में करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल इसके माध्यम से ईश्वर को ये संकेत मिलता है कि आप में दायित्व उठाने की क्षमता नहीं है। इसी तरह धन का खोना भी उचित नहीं माना जाता है, लेकिन खोए हुए धन के जरिए भी ईश्वर आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। जैसे कि धन खोने के बाद व्यक्ति क्या करता है, क्या वो किसी को प्रताड़ित करता है, क्या ईश्वर की शरण में जाता है या फिर से धन अर्जित करने के प्रयासों में जुट जाता है। धन खोने के माध्यम से ही सही, लेकिन व्यक्ति को अपने दायित्वों का एहसास होता है। अगर धन खोने के बाद व्यक्ति किसी गलत काम में लग जाता है तो उसे इसका परिणाम भी जल्द मिल जाता है।